मेरा नाम धर्मपाल सिंह प्रिंसिपल है। हाँ जी, प्रिंसिपल हूँ मैं यहाँ पर। हाँ बताइए, जो आपके स्कूल की छात्रा ने आज जो है यूपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, ये छात्रा दूसरा स्थान आने योग्य था। बहुत अच्छा लगा हमें, विद्यालय का नाम हुआ, स्टाफ का नाम हुआ, क्षेत्र का नाम हुआ, इसके लिए हम बच्ची को बधाई देते हैं। हाई स्कूल में भी इसमें कोई नाम हाई है? स्कूल में भी इस बच्ची ने 5वां स्थान मेरिट में लिया था, इससे आशा भी थी ऐसी। और भी कई बालक हैं हमारे यहाँ जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, उनके भी बहुत अच्छे अंक हैं। क्या संदेश देना चाहते हो और स्टूडेंट्स को? अन्य स्टूडेंट को ये संदेश है कि इस बच्ची से प्रेरणा लें और अपना पढ़ाई का कार्य जो है सुचारू रूप से चलाएं, मेहनत करें, ताकि उनका भी आगामी में इसी प्रकार का स्थान हो और उनका नाम हो, हमारा भी नाम हो। सोशल मीडिया जो चलाते हैं बच्चों के लिए, क्या है? सोशल मीडिया चलाते हैं, ज्यादा बाल का झुकाव है उधर को, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आपके स्कूल में क्या नियम है? हमारे स्कूल में मोबाइल लेकर कोई बालक नहीं आएगा, एक्स की सामग्री लेकर कोई नहीं आएगा, केवल और केवल पुस्तक और पेंसिल और पढ़ाई, यहाँ का अनुशासन है। यहाँ इस विद्यालय, ये विद्यालय अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस करते हैं, उनके लिए क्या सुझाव? मैंने यही कहना चाहती हूँ कि अपने जो है पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें, सोशल मीडिया का कम यूज करें, और एक टाइम बांध ले कि हमें इतने में ही सोशल मीडिया का यूज करना है, और अच्छी बातों के लिए सोशल मीडिया का यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ाई पर फोकस करें। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स इतना आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उन्हें पूरा करना चाहिए जरूर। राम बहादुर सिंह ये बताइए कि आज आपकी बेटी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया योग, जी क्या फायदा? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि एक जो गार्जियंस है, एक पिता होने के नाते मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत की, और जो मेरा सपना था कि यूपी में आए कम से कम, तो उसको इसने पूरा किया। मैं बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। कैसे आपने अपनी बच्ची को जो है इतना आगे बढ़ाया, क्या किया उसके लिए जो इतना वो मतलब आज नाम रोशन कर पा रही है? सर देखिए, ऐसा है, जब मैं इसको पढ़ाता था तो मेरा प्रयास ये रहता था कि यह किताब में वह प्रश्नों को ढूंढे कि जो इससे नाते हों। जो हल्के प्रश्न होते हैं उनको तो बच्चा कभी भी कर लेता है, लेकिन यदि हम हार्ड प्रश्नों पर अपना फोकस करेंगे, जो कठिन प्रश्न है, तो उसको फोकस करने के बाद जो है हम उसको सोल्व कर ले जाएंगे, तो ताकि हमें आने वाले समय में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और हम टेस्ट जो रखें उसके, तो टेस्टों को हमें सोल्व करते रहना चाहिए। और यदि हम टेस्ट पर लगातार अपनी पकड़ बनाए रखेंगे और उस टेस्ट में हमारी जो कमी हुई है उन कमियों को हम जो दूर करेंगे, तो उससे हमें सफलता मिलेगी। आखिरी सवाल यह है कि अन्य बच्चों के लिए क्या संदेश है? मैं अन्य बच्चों के लिए यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी बच्चे एक मन एक चित होकर के अपने सिलेबस पर फोकस बनाए रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें, और जो उनके अध्यापक, जो विषय अध्यापक उनको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं पर डे, उस पर वो अपना फोकस बनाए रखें और उसको जो है पर डे याद करके चलें। यदि वो नहीं करेंगे ऐसा, तो उनके लिए लक्ष्य पाना एक कठिन हो जाएगा। आपका नाम? काजल सिंह। हाँ, किरण वाली, बच्चाई बकावाद। ये बताइए कि आज आपने जो है इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस माहौल में जैसे कि आपने स्थान प्राप्त किया है, तो उसके लिए जो श्रेय है वो किसे देना चाहते अपने गार्जियंस को और अपने सारे टीचर्स को? हैं? आगे चल के क्या करने का मन है? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो इंजीनियर बनना चाहती हूँ मैं। क्या संदेश देना चाहती हैं उन स्टूडेंट्स को जो ये बहानेबाजी करते हैं कि भाई पढ़ाई करो तो जो जो है आगे बढ़ पाते, आप यूपी बोर्ड से आगे बढ़ें, क्या संदेश आप? मतलब ये रहना चाहिए कि अपना पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। इस कहने में तो आसान है पर ऐसा होता नहीं है, पर अपना आपको चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि एक सप्ताह के लिए अपना आपको चेक करो, एक सप्ताह के बाद कि हमने कितना कवर किया कितना नहीं किया। और फिर टीचर्स इतने अच्छे रहते हैं कि उसमें अगर हम कहीं भी पीछे जा रहे होते तो टीचर्स बोलते कि तुम जो मेहनत नहीं कर रहे हो मेहनत करो, अगर आगे जाना है तो उसमें मैं चाहती हूँ कि मतलब अगर बच्चा चाहे तो टीचर्स का इतना सपोर्ट रहता है कि वो अपने आप को मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आपका रिजल्ट भी ऐसे टाइम पर आया है, तो
तो किस तरह की सरकार चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सबके हित की बात करे, शिक्षा को ज्यादा महत्व दे और किसानों का ज्यादा ध्यान रखे। अभी जो सरकार चल रही है उसके लिए क्या कमेंट है? सही है, सरकार अच्छी है, और भी मेहनत मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उन्हें पढ़ाई को लेकर। उसके अलावा जो आपके मम्मी हैं और आपके पापा हैं, दोनों क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है और पापा टीचर। पापा जी कहाँ टीचर हैं? जब्दा स्कूल। तो ये जो आपके स्कूल है, कॉलेज है, इसके लिए क्या संदेश है? ये बहुत अच्छा है, मैं तो यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। बहुत सारा खाई।